नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास डेल कंपनी का डेल वॉस्टो लैपटॉप बनने के लिए आया हुआ है। सवेरे में कस्टमर साइट पर गया चेक करने के लिए, तो दिखा लैपटॉप जो है बहुत स्लो चल रहा है। मैं देखिए ऑन करता दिखाता हूं आपको। मैं डेल वॉस्टो है, ये हमने यहाँ से ऑन कर दिया है। बैटरी इसका वीक है और देखिए लैपटॉप मेरा ऑन हो चुका है। मेरा क्या कस्टमर का लैपटॉप ही ऑन हो चुका है। देखिए डेल लेकर आ रहा है और ऑन करने में लगभग जो है कुछ 2-3 मिनट ले रहा है ऑन करने बूट करने के लिए। और इस लैपटॉप के अंदर देखिए लाइनक्स भी लोडेड है और इसके अंदर विंडोज़ भी लोडेड। देखा ना, ये 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लोडेड है। तो हम क्या करते हैं, विंडोज़ वाले पे क्लिक करना हमको है। विंडोज़ 10 जो दिया हुआ है, विंडोज़ 10 पे हम क्लिक कर लेते हैं, उसको चलाते हैं। कस्टमर ने कहा कि हमको जो है ना इसको तेज़ करवाना। मैं बोला कि मैम चेक कर लिया, मैंने चेक किया, इसके अंदर 4 GB का रैम लगा हुआ है। इंटेल कोर i3 का 6th जनरेशन CPU है और 1 TB का इसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि अब इसके अंदर आपको लगवाना पड़ेगा SSD, हाँ तभी आपके लैपटॉप स्पीड मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि लगा दीजिए। तो अब दोस्तों इस लैपटॉप में लगाने जरूर SSD और इसमें फॉर्मेट करके हम इसमें विंडो 10 लोड करेंगे। कस्टमर ने कहा कि लाइनक्स की ज़रूरत नहीं, अब हमें विंडो 10 से काम चला लूँगा। देखिए घुमरी मार रहा है, ये देख रहा ना, ये अगर SSD लगा रहता तो इतना नहीं टाइम लगाता। ये तो लगता है SSD कैसे है। देखिए SSD होता ना, वो हार्ड डिस्क अपडेट वर्जन है। हार्ड डिस्क स्पीड मोटा मोटी जो है 50 MB रीड होती है और 60 MB राइट होती है, लेकिन जो साटा SSD है, अभी क्या क्लिक किया हमने करके और यहाँ कर लेते हैं, तब टाइम ही टाइम ले रहा भाई एकदम, पूरा कुछ नहीं काम कर रहा। ये देखिए यहाँ क्लिक कर लिया, अब साइन इन पर क्लिक करते हैं। अब इनका नाम लिख कर आ रहा है, स्क्रीन ब्लैक हो चुका है, ये देखिए बड़ा हुआ है और लिख के आ रहा है विंडो एक्टिवेट। तो इसमें हम लाइसेंस विंडो भी डाल देंगे। देखिए ये एक्टिवेट लिख के आ रहा है, तो अभी स्टार्टिंग हो रहा है। तो अब क्या करेंगे ना, इस लैपटॉप के अंदर ये जो राइटर लगा हुआ है डिवाइटर, इसको हम निकाल देंगे और यहाँ पे लगाएंगे जो इसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है, वो हार्ड डिस्क यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे मतलब इस राइटर निकाल के यहाँ कैडी लगा के लगा देंगे और जो मेन प्राइमरी में हार्ड डिस्क लगा हुआ है वहाँ पे हम लगा देंगे SSD 256 GB का। तो चलिए लैपटॉप खोलते हैं और लैपटॉप काम करते हैं पूरा बनवा करके। और इसमें हाँ बैटरी भी ख़राब है। देखिए जैसे हमने इसको ये इसका चार्ज लगा हुआ है, हमने इस बैटरी को निकाल दिया यहाँ से और देखिए ये बैटरी इसका जो है ख़राब है। तो बैटरी भी चेंज करेंगे, बैटरी भी नया लगाएंगे, सारा चीज़ करने जा रहे हैं। मतलब SSD लगेगा, विंडो लोड होगा, उसके बाद इसके अंदर आपका बैटरी नया लगेगा, सारी चीज़ें, फिर लैपटॉप को अपडेट कर देंगे, सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। तो चलिए खोलते हैं लैपटॉप और आपको जो है दिखाते हैं इसके बारे में। ठीक, लैपटॉप खोलना शुरू कर दिए हैं। तो इस लैपटॉप पहले कीबोर्ड निकालेंगे क्योंकि इसके नीचे दिया है स्क्रू और ये खुलेगा तभी लैपटॉप का जो मदरबोर्ड का जो सेक्शन वो खोल सकता है। देखिए ये सिंपल तरीके से इसको हम बाहर कर लिए हैं और निकाल दिए। देखिए बहुत सारे स्क्रू दिए हुए हैं, साथ में ये देखिए कनेक्टर दिया हुआ है टच पैड का, इसको निकाल लेते हैं। और ये सारे स्क्रू दिए हुए हैं, वन वन करके निकालना पड़ेगा सबको और बहुत सारी चीज़ों में नहीं खोलना पड़ता है। कुछ मदरबोर्ड होते हैं, कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं, इसको खोल करके आपको पूरा सब करना होता है। तो सारे स्क्रू है और आप भी देख लीजिए, किसी ब्रांड का लैपटॉप आपके पास पड़ा हुआ है तो आपके लैपटॉप में साटा दिया पोर्ट दिया हुआ कि M.2 पोर्ट दिया हुआ कि NVMe पोर्ट दिया हुआ, इसको हम पहले खोल रहे हैं, खोल करके और चेक कर रहे हैं क्या इसके अंदर M.2 या NVMe पोर्ट दिया हुआ है। अगर वो दिया होगा तब तो छोटा वाला लग जाएगा, नहीं दिया अगर होगा तब तो हमको जो बड़ा लगाना पड़ेगा। तो वहाँ से खोल चुका है, बैटरी निकाल लेते हैं सिंपल। देखिए बैटरी भी ख़राब, बैटरी भी चेंज करेंगे और जितना भी स्क्रू दिया हुआ है सारा करके चेक कर लीजिए। टेस्टिंग करने के बाद खरीदारी करने के बाद जाके अपने मन से आप लेते हैं M.2 SSD, आप लेते हैं NVMe SSD, तो आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए वेट करिए और लैपटॉप उसी एक्सपर्ट के पास खोल के चेक करवा लीजिए कि क्या उसमें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि क्या इस मॉडल के अंदर M.2 लग पाएगा, NVMe लग पाएगा, तो कभी कभी दिखता नहीं है और दिख भी जाता है तो M.2 NVMe बहुत दिक्कत होता है भाई। मैं देखा हुआ हूँ कि कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हमेशा ना एक बार इसको खोल के और देख लीजिए। तो ये पूरा स्क्रू चारों तरफ से हम लोग खोला जा रहा है, ये हमारे मित्र हैं और बेखोल रहे हैं, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हम लोग जब मिल के काम करते हैं तो एक जन खोलेंगे, कैमरा पकड़ेंगे तो कैमरामैन पकड़ लिया है। और इसको देखिए ये सारा स्क्रू चारों तरफ से खोल लीजिए पीछे तरीके से। और बहुत सारे लैपटॉप होते हैं कि सिर्फ पीछे से खोलने से खुल जाता है, आगे नहीं खोलना होता है। और बहुत सारे लैपटॉप होते हैं जो आगे से भी स्क्रू दिया रहता है, पीछे स्क्रू दिया रहता है, तो दोनों तरफ से खोला जाएगा ये। तो देखिए स्क्रू डालकर हम लोग पूरा खोल रहे हैं, बोर मत होइए, लगे रहिए, मतलब सब्र का फल मीठा होता है जैसे बोलते हैं हिंदी में कहावत है। तो सारी चीज़ें फॉरवर्ड के देखेंगे नहीं फायदा होगा। तो जहाँ जाए इसको देखिए, ये लॉक यहाँ दिया हुआ, देखा ना आपने, देखिए लॉक दिया हुआ है, इसकी राइटर निकल जाएगा बाहर यहाँ से। ठीक है, इसको बोलते राइटर निकल चुका है, ये DVD राइटर है, अब इसका काम नहीं है। अगर इसको इसका काम इसलिए नहीं है क्योंकि अब CD और DVD को रीड नहीं करता है, एक अलग से एक नॉच आता है, इसको लॉक सिस्टम दिया होता है। यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा, गोद में रख के कर लीजिए या जैसे करना चाहते वैसे करके इसको खोलना रहेगा आपको चारों तरफ से। और खोलेंगे तभी देखिए, ये देखिए यहाँ से ये चारों तरफ से इसको ऐसे करके और खोल लेते हैं। ये देखिए यहाँ से लॉक दिया हुआ है, इस लॉक को यहाँ से खुल गया और
इधर से कुछ लॉक दिया हुआ, इस साइड से दिया हुआ लॉक दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, कुछ स्क्रू किनारे दिया रहता है तो उसको भी खोलना रहेगा। और यहाँ पे है, देखिए मैं बता रहा हूँ उनको कि यहाँ पे 3 स्क्रू दिए हुए हैं, इसको खोल लीजिए। तो देखिए एक इस साइड दिया हुआ है और इसको अब खोलेंगे तभी जो है लॉक निकलेगा, वरना कभी लैपटॉप में क्या होता है ना, टूट जाता है बिना लॉक खोले, लेकिन खुलेगा नहीं। तो एकदम आराम से खोलिए लैपटॉप को, कोई लैपटॉप हो तो उसको खोलेंगे, ऐसे ही काम करेगा तभी आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वरना फिर आप झेलते रह जाएंगे। देखिए 3 स्क्रू यहाँ दिए हुए थे, तो एक एक करके स्क्रू को देखिए आप, तभी आप खोलिए लैपटॉप को। और ये देखिए खोलना एकदम पूरा, लगे रहिए और देखते रहिए तभी आप सीख पाएंगे। अब ये लॉक निकल चुका है, और अपने लैपटॉप में आप लगाना चाहते हैं SSD, साटा SSD, क्योंकि मैंने चेक करना है इसके अंदर है। देखिए ये अब जगह दिया हुआ है, अब पूरे इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने बाद में कहीं नहीं दिख रहा कि M.2 स्लॉट दिया हुआ है, कहीं नहीं, देखिए रैम का स्लॉट दिया हुआ है, एक रैम और लग सकता है, एक ये हार्ड डिस्क है 1 TB का, और यहाँ जगह दिया राइटर लगने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क को लगा देंगे इस राइटर वाली जगह पर जो लगा हो पहले से, और उसके बाद लगाएंगे वहाँ पर लगाएंगे SSD, ठीक है, SSD लगा देंगे वहाँ पर, सारी चीज़ें हैं। तो अब चल के लाते, तो अब इसमें लगाया जाए 240 GB का WD कंपनी का SSD, और ये है आपका कैडी, स्लिम कैडी है, इसी के अंदर पुरानी हार्ड डिस्क लगेगी, और हार्ड डिस्क यहाँ जो इसमें लग जाएगी, और ये SSD जो लगा रखे हैं हम, अभी लगेगा हार्ड डिस्क हर जगह लगेगा। तो देखिए ऐसे लगाते हैं ये, इसके अंदर रखकर हार्ड डिस्क को रख करके, और इसको निकाल करके हम यहाँ इसको लगा देंगे SSD को, और इसमें लोड करेंगे, SSD के अंदर विंडोज लोड करेंगे तभी आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। तो हार्ड डिस्क को निकाल लेते हैं जहाँ से लगा हुआ है वहाँ पर, ये आपका पूरा पूरा जो है, और इस 4 स्क्रू दिया हुआ है। देखिए आपका जो लैपटॉप पड़ा हो सके उसका खोलने का तरीका अलग हो, बस आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि हमेशा प्राइमरी के अंदर आपको लगाना चाहिए SSD। बहुत बार क्या करते हैं लोग हैं कि जो कैडी लगाते हैं उसी जगह SSD लगा देते हैं, फिर प्राइमरी सेकेंडरी के मैटर पड़ जाता है, स्पीड आपको नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा नोटिस करिए, हमेशा अपने हार्ड डिस्क को लगाइए, आप कैडी वाली जगह जो लगा हुआ है, और आप जो लगा रहे हैं SSD वो लगाइए हार्ड डिस्क प्राइमरी वाली जगह। देखिए ये कनेक्टर दिया हुआ है, इसको पूरा खोल लेंगे, और इसी में SSD सेम साइज़ का होता है उसमें इसको हम कस देंगे, और तभी हमारा जो SSD सेट हो जाएगा, तभी स्पीड मिलेगा। अगर आप चाहते हैं विंडो 10 लोड करना, विंडो 10 लोड कर सकते हैं, आप चाहते हैं विंडो 11 लोड करना, विंडो 11 लोड कर सकते हैं, क्योंकि 4 GB रैम इस लैपटॉप के अंदर, कोर i3 6th जनरेशन, और फिर SSD लग जा रहा है, और अच्छी कंपनी का लगा रहे हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जब भी SSD लगवाना हो, बहुत सारे सस्ते भी SSD मार्केट के अंदर हैं, 200-300 रुपये सस्ता मिल जाएगा, लेकिन क्या कि रोज़ लगता नहीं, इसलिए हमेशा जो है ना ब्रांडेड लगाइए। और मैं WD कंपनी कस्टमर से कह देता हूँ कि सर तो महंगा लगेगा लेकिन अच्छा लगाएंगे ये, तो WD कंपनी का हम लगाते हैं SSD। MRP लिखा हुआ 4300 रुपीज़ का, लेकिन पता कर लीजिएगा आपके एरिया में कितने रुपए का आता है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग रेट है यार, और हम लोग भी काम करते रहते हैं तो ओपन रेट डिस्क्लोज करना सही नहीं है। तो देखिए ये SSD है ये, ठीक है, तो इसको हम लगाते हैं, यहाँ पे फाड़ लेते हैं, और ये स्लिम होता है, पतला सा होता है, ये हार्ड डिस्क की साइज़ का होता है, लेकिन क्या हल्का है, हार्ड डिस्क मैकेनिकल हार्ड वो लगा हुआ है, और ये जो लगा हुआ है ये SSD। तो देखिए इसको हम खोल के जहाँ से लगा हुआ था ये हार्ड डिस्क का सीधे ये कवर, और इसको निकाल देते हैं हार्ड डिस्क को, और यहाँ पर SSD को सेट कर देते हैं, जितना जगह वो लिया हुआ था उतने जगह लगेगा ये, और आपका ये हार्ड डिस्क यहाँ पर सेट हो जाएगा, मतलब SSD यहाँ पर सेट हो जाएगा। देखिए अब ये जो भी स्क्रू दिए हुए हैं इसको ऐसे करिए और पूरा पूरा टाइट कर दीजिए। आप बोर मत होइए, क्योंकि वन मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, मैं आपको, मैं सोचता हूँ कि आप घर पर अगर काम करेंगे और काम कर रहे हैं तो अपने लैपटॉप बचा सकते हैं, क्योंकि दुकानदार के पास जाएंगे दुकानदार आपसे चार्ज कर लेता है, फिर आपका नुकसान हो जाता है, फिर वीडियो। तो देखिए ये यहाँ से टाइट हो चुका है, और इसके जो भी स्क्रू दिए हुए हैं ना, स्क्रू सबको जो है आप दोनों साइड से इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एकदम टाइट करिए, कोई स्क्रू छोड़िए मत, अगर छोड़ देंगे तो देखिए हार्ड डिस्क अलग हो गया, ये हार्ड डिस्क का ये कनेक्टर है, और ये कनेक्टर को ला करके निकाल दे निकल जाता है। देखिए इस वाले लैपटॉप के अंदर इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लैपटॉप में ऐसे ही दिया होगा, लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि हार्ड डिस्क वाली जगह हमने लगा दी SSD। अब इस SSD में विंडो लोड करेंगे, जो हार्ड डिस्क लगा जिसमें पहले विंडो लोड था उसको लगाएंगे कैडी वाली जगह लगा देंगे जहाँ राइटर लगा हुआ था, तभी आपको स्पीड मिलना, वरना स्पीड आपको नहीं मिलना, मतलब स्पीड मिलेगा कम स्पीड मिलेगा, तो ये बेटर है ये। और देखिए अभी क्या करेंगे, हार्ड डिस्क को किनारे रख देंगे, और हार्ड डिस्क किनारे लगाने के बाद में हम अभी क्योंकि हार्ड डिस्क सेकेंडरी वाले हार्ड डिस्क जो पहले लगा था ना उसमें डेटा पड़ा हुआ है, तो रिस्क होता है, तो अभी हम इसको ऐसे ही करके इसमें हम विंडो लोड कर देंगे। विंडो 10 प्रो हमको लोड करना है, लाइसेंस लोड करना है, पता कर लीजिए लाइसेंस कितने रुपए का, आप भी देख करके इसको ले लीजिए, और हार्ड डिस्क चकाचक तरीके से हार्ड डिस्क को तो हम मतलब SSD को तो हम टाइट कर देना है इसके अंदर, और हार्ड डिस्क देखिए लगा हुआ है, अभी हार्ड डिस्क को किनारे कर देंगे और इसको लाएंगे। वीडियो लंबा बनाता हूँ इसलिए कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हार्ड डिस्क किनारे दिया, अब हमने लैपटॉप को ऑन किससे करेंगे, अपने लैपटॉप को ऑन करेंगे SSD से। अभी इसके अंदर कुछ भी लोडेड नहीं है, मतलब कोई विंडो लोड नहीं है, लेकिन अभी जब SSD लग जाएगा इसके अंदर विंडो 10 हम प्रो लोड करने वाले हैं, क्योंकि मैं विंडो 10 प्रो के लिए संतुष्ट हूँ, क्योंकि अभी 11 में काम करने इतना मज़ा नहीं आता है,
सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसको हम कवर लगा करके अभी हम पैक कर लेंगे, क्योंकि जो SSD लगना है, जो हार्ड डिस्क लगना है ना बाहर से ना, वो कैडी में लगना है, तो बाहर से ही उसको सेट किया है, फिर खोलने के लैपटॉप जो होते पड़ेगी, इसको खोल के ऐसे हम जैसे खोले हुए थे और उसी प्रकार से इसको हम बैठा लेंगे। देखिए ये ऐसे रख के और उसको दबा देंगे, लॉक सिस्टम होता है और स्टेप बाय स्टेप करके ये पूरा पूरा ऐसे बैठ जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ देखिए ऐसे ऐसे करके इसको आप ऐसे बैठा दीजिए, देखिए ये बैठ गया। और आगे लगाना है कीबोर्ड, देखिए टच पैड का ये तार है पीछे, दबा रहता है और इसको भी दबा देते हैं। देखिए हाथ काम करते करते एक्सपर्ट बन जाता है। अगर आप नौसिखिया हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अभी काम मत करिए, वरना लैपटॉप नुकसान कर सकते हैं, फिर बाद में कहेंगे जोगिंदर भैया ने आपने सही गाइड नहीं किया हुआ था। बस ये सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स कर रहे हैं, अगर आप भी कंप्यूटर हार्डवेयर फील्ड में अच्छा बनना चाहते हैं, इसे कर सकते हैं। और देखिए पूरा लेके स्क्रू को आप टाइट कर दीजिए सब जगह से लेकर के, और नया बैटरी भी डाल लेता हूँ मैं इसके अंदर, नया बैटरी भी ला दिया हूँ। विंडो हमने लोड कर लिया है और देखिए ये हमारा जो SSD लगा उसके अंदर स्पीड अप मिलेगा हमारे इस लैपटॉप के अंदर। और अब लगाने जा रहे हैं कैडी, जिसके अंदर लगाना हमको हार्ड ड्राइव लगाना, वो हम लगाने जा रहे हैं। तो अब लैपटॉप हमारा बन चुका है और इसके अंदर हमने लगा दिया है 240 GB का साटा SSD, ठीक है, और कैडी लगा दिया है। कैडी के ऊपर मतलब कि राइटर जहाँ लगना था उसके ये लगा करके हमने इसमें हार्ड डिस्क लगा दिया है। और बैटरी ख़राब थी, मतलब कि इसका बैटरी भी चेंज कर दिया है, मोटा मोटी जो है 6-7 खर्चा है वो कस्टमर बोले बना दीजिए, तो बन चुका हुआ है। देखिए रेट इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि देखिए ऑनलाइन रेट अलग होता है, ऑफलाइन रेट अलग होता है, अब क्या क्या सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अब स्पीड देखिए, अब लैपटॉप ऑन हमारा है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। देखिए मैं पास लेकर आता हूँ, इसमें लगा कर मैंने ये लिया और इसको हम यहाँ से शट डाउन करते हैं। ये देखिए शट डाउन करके हम इसको रिस्टार्ट कर देते हैं, रिस्टार्ट पर क्लिक किया। अब देखिए काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, देखिए बंद हो गया। 17 सेकंड के अंदर हमारा जो है, मतलब तेज बोल रहा था, मतलब 15 सेकंड के अंदर लैपटॉप हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। और देखिए ऑन, देखिए कितने सेकंड का होता है, ये हमारा ऑन है। और काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। मतलब मोटा मोटी 30 सेकंड के हमारा ये लैपटॉप ऑन हो चुका है। क्यों ऑन हो चुका, टाइम लगा हुआ है क्योंकि जो मेन SSD लगी हुई थी ना, उसके बाद मैंने ये हार्ड डिस्क लगाया हुआ, दोनों एक साथ काम कर रहा था, इसीलिए जो है ये टाइम लगा हुआ है। ठीक है, तो अब कस्टमर को काम करने में अच्छा लगा और ये कस्टमर इससे खुश होंगे पक्का, क्योंकि लैपटॉप अपडेट हो चुका है, इसमें लिनक्स में हटा दिया है और विंडो 10 लोड कर दिया है लाइसेंस दोस्तों। तो वीडियो से आपको सीखे हो और आप भी चाहते हो अपने लैपटॉप को अपग्रेड करना, तो हमेशा अपने लैपटॉप के अंदर आप चेंज कराइए SSD और पक्का आपको स्पीड मिलेगा। अगर इसके अंदर स्लॉट दिया होता, मैं M.2 लगाता, NVMe लगाता, लेकिन इसके अंदर स्लॉट नहीं था, इसके अंदर सिर्फ हार्ड डिस्क लगाने की जगह मैंने लगा दिया, मैं तो SSD को इसको निकाल दिया राइटर, क्योंकि अब राइटर का काम नहीं होता CD वाला राइटर को, और ये कंप्यूटर ठीक ठाक चला दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो पसंद आपको आए और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो आ सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं अपने पुराने लैपटॉप को स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, हो सके वीडियो देखने के बाद में उनको कुछ गाइड मिले। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।